मेरी बात सुने। मेरी गुजारिश ये है, जनाबे चेयरमैन शहादत आवान साहब, जनाबे चेयरमैन आप जरूर बोले, मौजूद थे। ये बकवास मेरे लिए की गई है, इसलिए सब लोग कह रहे हैं कमेटी में जाए। मुझे सब दोस्तों की इज्जत एहतराम है, मैं 3.5 साल से आपके साथ हूँ। वहाँ पे एक शख्स जिसको अपने किरदार का पता है, जो कि सारी याद जेकाबाद अलाकाना में बच्चे ढूंढता है, वो शख्स मेरे जैसे आदमी के लिए जिसको मैं भाई भाई करता हूँ, और 2 मिनट पहले मैं उसके पास जो है उसको मैं टफ ही दे के जाऊँ, वो कहता है उठा के कुर्सी मार दूंगा, ये टाउट है सर हजूरे वाला, ये आज मुझे नहीं, आप ही ने मुझे कहा था कि खड़े होकर इसको चुप कराओ, ये बदतमीज आदमी है, शहादत बोलो, नहीं कहा आपके कहने पर। मैंने मेरी गुजारिश सुने चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुन लेना, आप मेरी बात सुने। नहीं, मेरी मैं मुझे क्लैरिफिकेशन की इजाजत तो दें। कोई बदतमीज आदमी यहाँ पे बैठा हो ना, मुझे सेनेटर, पहले मैं अवान हूँ, उसके बाद मैं सेनेटर हूँ। उस शख्स की मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने, वो उसकी क्या औकात है कि मुझे जैसे आदमी को कहे कि मैं इसको कुर्सी मारूंगा, ये टाउट है, जो टाउट, जो कमीशन एजेंट, जो इस किस्म के काम करता है, जिसका ये किरदार है, तशरीफ रखें सर, दुनिया को पता है, पूरे सूबे को पता है, पूरा पाकिस्तान, मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि वो इंतहाई नहीं, बात ये मेरे साथ चूंकि हुआ है, इस वजह से जनाब आप कमेटी बनाना चाह रहे हैं। मेरी जबान उससे लंबी थी, उस वक्त ये वहाँ बात करता तो मैं उसके घर तक पहुँचता, मुझे तो ये तवक्को थी कि वो बाहर, मैं जाऊँगा। सेम इज बीइंग रिपीट, आप इसको चुप कराएं। देखें वही हो रहा है, मेरी गुजारिश सुनिए, अपना शहादत आवान साहब, अब आप तशरीफ रखें, आप बैठे। शहादत आवान साहब, आप प्लीज हाउस को खराब ना करें, आप तशरीफ रखें। मसरूर साहब आप बैठे, आप बैठिए, क्या करें। लेडीज डियर सेनेटर्स, द हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 15 मिनट्स, विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स अगेन, और मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से कोलीग्स मामलात को ठंडा करें, 15 मिनट बाद हम दोबारा इजलास शुरू करेंगे। थैंक यू।